आखिर किस योद्धा ने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर 12 घातक तीर? क्या हुआ जब महाभारत के युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण हो गए लहूलुहान? आप देख रहे हैं सनातनी हिंदू छत्तीसगढ़। तो चलिए अब करते हैं धर्म की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को दो विकल्प दिए थे। एक, या तो वो भगवान श्री कृष्ण जो कि निहत्थे होंगे उनको चुने, या फिर भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कभी हारी नहीं थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को चुना। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो निहत्थे लड़ने वाले थे, तो फिर आखिर वो कौन योद्धा था जिसने स्वयं भगवान कृष्ण पर 12 तीर चलाए थे, यानी 12 घातक बाण छोड़े थे? तो आपको बता दें, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे। तो अब चलिए जानते हैं आखिर उस समय हुआ क्या था जो कर्ण को 12 तीर भगवान कृष्ण पर छोड़ने पड़े। ये बात थी युद्ध के 17वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई सारे घातक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे और अपने असीम शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। कर्ण की रणनीति यही थी कि वह अर्जुन को खत्म करना चाहते थे और अर्जुन यह चाहते थे कि वह कर्ण का खात्मा कर दें, क्योंकि दोनों में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ही एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। फिर वो समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए रखा हुआ था। वास्तव में यह बाण पाताल लोक में अश्वसेन नाम का एक नाग था जो अर्जुन का परम शत्रु था, और उसकी शत्रुता का मुख्य कारण था खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था और सर्प जो खांडव वन में रह रहे थे उनको वहां से हटा दिया था। अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। कई सारे धार्मिक सीरियल्स में महाभारत के आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि उन्हें तक्षक नाग मारना चाहता था। महाभारत के विभिन्न विभिन्न ग्रंथों में उन्हें अलग अलग नाम से दर्शाया गया है। कोई अश्वसेन कहता है तो कोई तक्षक नाग, और मुख्य युद्ध के तौर पर अश्वसेन ने पहले ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वो जानते थे सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। वो मौके की तलाश में थे। कर्ण को सर्प बाण का प्रयोग करते देख अश्वसेन खुद कर्ण के बाण पर जाके विराजित हो गए। कर्ण ने अर्जुन पर तीर चलाया। अर्जुन बाण का रूप धारण किए नाग को पहचान नहीं पाए, जबकि अर्जुन का रथ चला रहे सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन को तत्काल ही पहचान लिया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि पर दबा दिया। रथ का पहिया जमीन में धंस गया, घोड़े बैठ गए और तीर अर्जुन के गले के बजाय उसके मस्तक यानी कि उसके मुकुट को छिटक कर धरती पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ के धसे पहिए निकालने के लिए नीचे उतरे, तभी मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया, और तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। उसी समय मौके पर 12 तीर यानी 12 घातक बाण जाकर भगवान श्री कृष्ण के शरीर में धस गए। पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के घाव को सह लिया। तब भगवान ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए परम प्रिय अर्जुन को बचा लिया। सिर्फ इसी वजह से कर्ण के 12 तीर स्वयं भगवान कृष्ण ने खाए थे। अगर आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सनातनी हिंदू छत्तीसगढ़। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।